लोगों का अलग 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 अंदाज होते हैं. आई मीन किसी का तो किसी का रोमांटिक जोनर होता है, फेवरेट जोनर, किसी का कॉमेडी, किसी का किसी और. तो आपका फेवरेट जोनर कौन सा है और क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने. देखिए, मैं मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक जॉनर को लेके बहुत ज़्यादा बिल्कुल मेरा फेवरेट है. फिल्म देखने की बात आती है तो वो बिल्कुल एक अलग, मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ. तो जनरली मैं सभी तरीके की चीज़ों को देख लेता हूँ, हॉरर को छोड़ के. लेकिन एज अ फिल्म मेकर मैं क्या अटेम्प्ट करना चाहता हूँ और मेरे फेवरेट जॉनर कौन से हैं? मुझे अभी फिलहाल मैं कोई भी फिल्म जो है वो सेम जॉनर की दो फिल्में नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने एनवलप को पुश करना चाहता हूँ, अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल को, और मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करना चाहता हूँ. पहली फिल्म जो थी वो सेमी पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स फिल्म थी. फिर उसके बाद में मैंने जिस फिल्म के ऊपर काम शुरू किया था, चंदा मामा, वो साईफाई है. 83 प्योरली स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म थी. गोरखा जो है वो मिलिट्री फिल्म है, सब वॉर फिल्म. मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो रिवेंज ड्रामा है. ये सारी अलग है. अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज मेरे जो फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं, जिनके देख के मैंने सिनेमा सीखा है, वो हर जॉनर के अंदर परफेक्ट है. देखिए, बहुत आसान होता है. अक्सर क्या होता है कि एक फिल्म मेकर को एक सर्टेन टाइप की फिल्म से सक्सेस मिल जाती है तो वो उसको पीछे नहीं छोड़ पाता. अगर कोई कॉमेडी बना रहा है तो वो लगातार कॉमेडी ही बनाता रहेगा. कोई सोशल ड्रामा कर रहा है तो वो सोशल ड्रामा करता रहेगा. किसी को सटायर के अंदर सक्सेस मिल गई है तो वो सटायर अटेंड करता है. आप चैलेंज नहीं करते. ये आपको मौका मिला है नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का, तो आप बार बार उसी चीज को क्यों कर रहे हो? मुझे हो सकता है किसी के लिए वर्क करता है पर मुझे एक्साइटिंग नहीं लगता. कुछ एक फिल्म मेकर हैं जैसे 2000 में राजकुमार संतोषी, उन्होंने मल्टीपल जॉनर्स के ऊपर फिल्म बनाई है. वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, एक्शन फिल्म है, मणिरत्नम है. अभी इस वक्त जो काम कर रहे हैं सुजीत सरकार है, जो हर जॉनर के ऊपर काम कर रहे हैं. देयर आर फिल्म मेकर्स लाइक स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने एक तरफ ईटी जैसी फिल्म बनाई है और दूसरी तरफ वो सिंगल्स लिस्ट बना रहे हैं. दोनों एक्सट्रीम है. रॉन हॉवर्ड है, रिडली स्कॉट है, झांकी मॉय है, वोंकर वाई है. ये मल्टीपल जॉनर्स के ऊपर काम करते हैं. तो एक पर कमर्शियल रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए एज एन आर्टिस्ट अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल जॉनर को एक्सप्लोर करते हैं. तो मैं किसी पर्टिकुलर जॉनर के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के फेवर में नहीं हूँ, पर मैं सब कुछ करना चाहता हूँ. मिलिट्री भी, वॉर फिल्म, हिस्टोरिकल, कॉस्ट्यूम ड्रामा, वुमेन ओरिएंटेड, ब्रिटिश राज के अंदर, तो मैं सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. उसके बाद मैं शायद इस बात का बेहतर जवाब दे पाऊंगा जब मैं ये कर चुका हूँ कि मेरा फेवरेट जॉनर कौन सा है. सब लोगों का एक आइडल पर्सन होता है, तो आपका आइडल फिल्म मेकर कौन है जिससे आप इंस्पायर्ड हुए? देखिए, कोई एक नहीं मेरा है. मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स को देखता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो मेरी फिल्म मेकिंग है वो प्योरली मैंने लोगों को देख के सीखी है, उनके सिनेमा के स्टाइल को देख के सीखा है. तो मेरे मुझे नहीं पता कि जो टेक्निकल चीज़ें मैं उनको नाम दिए हुए हैं कि ये अच्छा, ये रिदम ऐसे सेट होनी चाहिए. तो मैं म्यूज़िक की रिदम की बात नहीं कर रहा, मैं फिल्म की पल्स की बात कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कोई एक्सपीरियंस करता है इस चीज़ को या महसूस भी करता है, या ये सिर्फ ये मेरा पर्सनल एक इमेजिन है कि अच्छा, एक हर फिल्म के अंदर एक रिदम होती है, उसका एक पेस होता है. अक्सर हम पोस्ट के अंदर, फिल्म के अंदर पल्स सेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जब आप लिखते हो ना उसी वक्त से वो पल्स सेट हो जाती है. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं किसी एक आदमी से प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन मैं मल्टीपल फिल्म मेकर से प्रभावित हूँ. मुझे स्पीलबर्ग अच्छे लगते हैं. मेरे को रॉन हॉवर्ड, एक एक्टर थे जो बाद में डायरेक्टर बन गए, वो बहुत पसंद है. वोंकर वाई का विजुअली स्टनिंग सिनेमा होता है, उससे ज़्यादा गॉर्जियस फिल्म किसी की नहीं होती है. झांकी मॉय एक सिनेमाटोग्राफर थे जो फिल्म मेकर बन गए. किम की दुख, कोरियन फिल्म मेकर नहीं है वो, अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क है उनका. टाकेशी किटानो एक जापानीज फिल्म मेकर है. मस्जिद मजीदी तो हम सब जानते ही हैं. कई इरानियन फिल्म मेकर्स हैं और इवन दो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं हॉलीवुड के अंदर जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. तो मैं जो अच्छा लगता है उसमें मैं उनकी फिल्में देखता हूँ. और जो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं अक्रॉस द जॉनर, मैंने मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में उनकी सारी फिल्में हैं.
मेरे पास में तकरीबन अपना जो कलेक्शन है, अब तो खैर डीवीडी नहीं रखी जाती है, बट मैं सारे टाइम फिल्में देखता था, तो तकरीबन 13,000 से अगर डीवीडी मेरे अपने पर्सनल कलेक्शन में है, और जो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं उनकी स्टूडेंट फिल्म, डिप्लोमा फिल्म से लेकर लास्ट फिल्म तक सब कुछ है मेरे पास में। जैसे क्यूब्रिक, उनका मैं नाम लेना ही भूल गया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप क्यूब्रिक को जरूर देखिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अभी नोलन को कहा जाता है कि नोलन नेक्स्ट क्यूब्रिक है, बट अगर जब ओरिजिनल क्यूब्रिक देखने को मिल रहा है तो आप लोग देखिए। और एज अ सिनेमा स्टूडेंट आपको हर फिल्म मेकर को देखना चाहिए, और फिर इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बल्कि खुद एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये बेहतर क्यों है, कौन आपकी सेंसिबिलिटीज को टच करता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आपने फाइट में जो पानी का यूज किया है वो लुक के लिए कि ऐसे उसका रिजल्ट? आप कमर्शियल फिल्में बहुत देखते हो, तो आपके थॉट वहीं से निकल के माइंड मास्टर बनना चाहते हैं। कहाँ से हो आप? झारखंड पलामू। अच्छा, देखिए फिल्म मेकिंग ना, मैं हमारे पास में जब एक जवान बॉर्डर पे जाता है ना, तो क्या होना चाहिए उसके पास? हथियार, खाने पीने का सामान, मैप, ताकि भूल के वापस आना है ना, उसके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। अब ऐसे ही फिल्म मेकर्स के टूल्स क्या है? लाइट, नाइट, स्नो, सैंड, रेन, हर पॉसिबल चीज का फायदा उठा के अपने कहानी को इफेक्टिवली कहना चाहिए, वो फिर एस्थेटिक पर्पस से हो, या वो ड्रामा एनहांस करने के लिए हो, या आप किसी पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हर जो चीज है वो आपको देखने है इन सारी चीजों के बीच में से कि कौन सा चीज है जो इस वक्त इस सीन के अंदर उसको सबसे ज्यादा प्रभावी बना सकती है। हर चीज का एक पर्पस होता है, जो हम इन टूल्स का इफेक्टिव इस्तेमाल करके विजुअली अपने विजन को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मल्टीपर्पज होते हैं। अगर इमोशन फाइट में है तो इट्स मोर ऑफ अ लुक एंड स्लिपरी। जब आप रफ फाइट दिखाने की कोशिश करते हैं तब आप रेन का और स्लिपरी मड का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये दिखा रहे हैं कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, क्योंकि एक चीज जो हम विजुअली स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि दो लोग मठ में लड़ रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ दो लोग की फाइट हो रही है नहीं है, पर चीजें कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट या सपोर्टिंग एक्टर जो हैं, उनके जरिए आप ये भी बताने की कोशिश कर रहे हो कि सिचुएशन सब इनके कंट्रोल से निकल गई है। हम सब इन चीजों के आदि होते हैं, हम किसी चीज को पकड़ने की, जब आप ट्रेन को निकल की तरफ दौड़ रहे हैं और ट्रेन छूट गई आपके पास से, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, ऐसा ही एक मोमेंट होता है। तो आप किस बात के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये डिसाइड होता है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है।